अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मसाला भिंडी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 250 ग्राम भिंडी। भिंडी को थोड़े से बड़े पीसेस में काटना है हमें और अब हम इसे करेंगे फ्राई। मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। इसके लिए 5 से 8 मिनट लग सकते हैं। स्लोली आप नोटिस करेंगे कि भिंडी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और अब ये हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम रख देंगे बाजू और इसी तेल में हम डालेंगे 1 प्याज फाइनली चॉप्ड, और प्याज को हम शैलो फ्राई करेंगे जब तक कि स्लाइटली ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे सौते कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। 3 टमाटरों को मैंने ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है और डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकने देना है और साथ ही बीच बीच में हमें इसे स्टर करते रहेंगे ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही और दही डालने के बाद कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। जैसे ही तेल सेपरेट हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी तली हुई भिंडी और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च और मुट्ठी भर कोथमीर। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी और अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे 8 से 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर ताकि भिंडी अच्छे से गल जाए। 10 मिनट बाद अब आप देख सकते हैं ग्रेवी थिक हो चुकी है और भिंडी भी गल गई है। अब ये हमारी मसाला भिंडी एकदम रेडी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एकदम सिंपल रेसिपीज़ के लिए, और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आप इस करी को सर्व कर सकते हैं चावल या फिर रोटी के साथ। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।